चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, इसका पार्ट नंबर 22। अभी तक हम लोग 21 पार्ट देख चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे वो जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक आई बटन इस तरह का दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करिए तो हमारी पूरी सीरीज मिल जाएगी। ये 3 डॉट के बगल में होता है। देखिए, इकोनॉमिक्स में आपको ऐसे पढ़ाता हूँ जैसे आपको स्टोरी सुन रहे हो या फिर आप कोई मूवी देख रहे हो, तो आपको बहुत ही मजा आता है ना। अभी और भी मजा आएगा टाइम के साथ। तो आप लोग सारी सीरीज देखिए जिससे आपकी कनेक्टिविटी बन पाए और आप और बेहतर तरह से इकोनॉमिक्स को पढ़ पाए। तो आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग सिस्टम। ओके, इसको हिंदी में कहते हैं बैंकिंग व्यवस्था। अब आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना, जो हम बैंकिंग व्यवस्था पढ़ रहे हैं, हमारे देश में जो बैंकिंग व्यवस्था है इसमें सर्वोच्च स्थान किसका है, टॉप पर कौन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना। तो आज हम इसी की बात करते हैं कि बैंकिंग व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान आरबीआई का है। अभी तक आरबीआई का नाम आप लोग सुनते आ रहे थे, आज हम लोग इसकी कुंडली देखेंगे। ओके, कि इसका जन्म कैसे हुआ, इसमें कैसे कैसे परिवर्तन हुआ, इसकी उद्देश्य और जिम्मेदारियां कौन कौन सी है। तो हम लोग इसकी स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री यानी कि इतिहास। हम लोग इसका इतिहास देखते हैं कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, कैसे हुई। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 हुई। कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, 1 अप्रैल 1935 को ही। लेकिन इसकी स्थापना के लिए एक एक्ट पारित किया गया था जिसे बोलते हैं आरबीआई अधिनियम 1934। ओके, देखिए एक्ट कब पारित हुआ, 1934 में एक एक्ट पारित हुआ, एक अधिनियम लाया गया जिसके द्वारा आरबीआई की स्थापना की गई। देखिए यहाँ पर मैंने इसीलिए इतना फोकस किया है, देखिए एक्ट है वो 1 साल पहले ही आ गया है लेकिन स्थापना 1 साल के बाद हुई। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई अधिनियम कब पारित हुआ, तो आप लोग सोचते हैं कि आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई तो एक्ट भी 1935 में आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, एक्ट पहले ही आ गया था, इसीलिए मैंने इस पर बहुत फोकस किया। क्वेश्चन देखिए इसमें ये बताते ही नहीं, आप लोग अगर बुक्स पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे जिसमें ये डेट नहीं बताते हैं एक्ट की, वो इतना ही बताते हैं कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो इसीलिए आप लोग कंफ्यूज जाते हैं और आप लोग सोचते हैं पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ गया, लेकिन आप लोग क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ओके, तो जल्दबाजी ना करिए, क्वेश्चन की डिमांड समझिए फिर क्वेश्चन लगाइए। जब इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की, तो इसका हेडक्वार्टर था उस समय कोलकाता में था। इसका हेडक्वार्टर कहां पर था? कोलकाता में था। लेकिन दो साल के बाद इसका जो क्वार्टर था, हेडक्वार्टर था, उसको ट्रांसफर कर दिया गया मुंबई में। ठीक है, तब से आज तक वर्तमान तक इसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। ओके, तो आरबीआई का हेडक्वार्टर आपको कहां देखने को मिलेगा? मुंबई में देखने को मिलेगा। कब से? 1937 से आज तक यहां पर ही है। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से क्लियर कर लेना है जिससे आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं आजादी के पश्चात में कैसे परिवर्तन आए। तो देखिए 1 जनवरी 1949 को हमने इस आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण क्या है? जब कोई भी संस्थान होती है, गवर्नमेंट अपने अधीन ले आती है, तो इसी प्रक्रिया को राष्ट्रीयकरण कहते हैं। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रीयकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी संस्थान होता है, कोई भी इकाई होती है, उसको गवर्नमेंट अपने अधीन ले आती है, वो गवर्नमेंट की हो जाती है, वो सार्वजनिक हो जाती है, तो इसी को राष्ट्रीयकरण कहते हैं। देखिए राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया के द्वारा इसे भारत सरकार अपने अधीन ले आई। लेकिन जब देखिए यहाँ पर भी जब राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया हुई, एक एक्ट यहाँ पर पारित हुआ था। देखिए ध्यान से, एक एक्ट यहाँ पर पारित हुआ था जब इसकी स्थापना हुई थी, एक एक्ट और पारित किया गया जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। इसे बोलते हैं, एक कब पारित किया गया, ये 1948 में। देखिए राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ, लेकिन एक एक्ट पारित किया गया था 1948 में, आरबीआई एक्ट। क्या? आरबीआई एक्ट। ओके, देखिए इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको जानते हैं ट्रांसफर टू पब्लिक ऑनरशिप, ट्रांसफर टू पब्लिक ऑनरशिप। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, मैं यहाँ पर नोट नहीं करता हूँ, लेकिन बाद में मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको ये नोट कर लेनी है। एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कुछ मैं आपको बता देता हूँ। तो ये एक्ट है, इसके बारे में आपको लिख लेना है किसी कॉपी पर या कहीं पर, ये पीपीटी में मैंने ऐड नहीं किया है, तो आप लोग अलग से ऐड कर सकते हो। ओके, अब हम लोग बात करते हैं आरबीआई है। जैसे आरबीआई क्या है, मैंने आपको बताया था ना, आपको वो ध्यान है, मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी। ओके, जैसे घर है, घर एक संस्थान है, इसी तरह आरबीआई क्या, एक संस्थान है। आरबीआई एक संस्थान है, इसके अंदर कुछ लोग होते होंगे ना, इसका नेतृत्व कौन करता है? तो इसका नेतृत्व 5 सदस्य करते हैं। कितने सदस्य करते हैं? 5 सदस्य इसका नेतृत्व करते हैं, जिसमें से
एक गवर्नर होता है और चार डिप्टी गवर्नर होते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने सदस्य इसका नेतृत्व करते हैं, तो 5 लोग मिलकर इसका नेतृत्व करते हैं, एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। और देखिए प्रथम गवर्नर कौन है, ओसबॉर्न स्मिथ है। ये कौन है, ये प्रथम गवर्नर है। लेकिन अगर पूछा जाए प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है, तो सी डी देशमुख हो जाता है। ये है, ये प्रथम भारतीय है, ये प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है, सी डी देशमुख, और ये प्रथम गवर्नर है। लेकिन अगर पूछा जाए प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है, तो सी डी देशमुख है। और वर्तमान में कौन है गवर्नर, तो ये 25वें नंबर की है, शक्तिकांत दास। ओके, तो 25वें नंबर के कौन है, शक्तिकांत दास। पर इनसे पहले 24वें नंबर के थे उर्जित पटेल। तो आप लोग ये ध्यान रख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास। इससे पहले पूर्व गवर्नर कौन थे, उर्जित पटेल। ओके, तो चलिए हम लोग इसकी जिम्मेदारियां देख लेते हैं। आखिर आरबीआई की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले मैं इसको क्लियर करता हूं। हमें आरबीआई की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसके कुछ उद्देश्य होते होंगे, इसके कुछ जिम्मेदारियां होती होंगी, इसीलिए तो हमें आरबीआई की आवश्यकता पड़ी ना। तो चलिए हम इसके उद्देश्य या जिम्मेदारियों के बारे में देख लेते हैं। हम इसकी जिम्मेदारियों को 2 भागों में बांट के देख सकते हैं, एक गैर पारंपरिक जिम्मेदारियां, दूसरी पारंपरिक जिम्मेदारियां। देखिए गैर पारंपरिक जिम्मेदारियां ऐसी जिम्मेदारियां होती है जो अस्थायी होती है। मतलब देखिए इसमें क्या होता है, एक गोल होता है, एक गोल होता है, इसको निर्धारित किया जाता है, और इस गोल को जब अचीव कर लेते हैं तो ये जिम्मेदारियां खत्म हो जाती है। ओके, तो इसीलिए इन अस्थायी जिम्मेदारियां कहते हैं, मतलब ये हमेशा नहीं रहती हैं। जैसे कि अगर आरबीआई से कहा गया कि आपको किसी मुद्दे पर रिपोर्ट देनी है, आपको किसी मुद्दे पर रिपोर्ट देनी है, तो ये कैसी है, आप एक गैर पारंपरिक जिम्मेदारी है। इस रिपोर्ट जब इसमें एक समिति का गठन होगा, आरबीआई एक समिति का गठन करेगी, वो रिपोर्ट देगी, जैसे ही रिपोर्ट दे देगी, रिपोर्ट को सबमिट कर देगी, ये जिम्मेदारी इसकी खत्म हो जाएगी। तो ये किस तरह की जिम्मेदारी है, एक गैर पारंपरिक जिम्मेदारी है। और पारंपरिक जिम्मेदारी कौन सी होती है, जो स्थायी होती है, मतलब निरंतर चलती रहती है, ये कभी खत्म नहीं होती है, ये निरंतर चलती रहती है। इन्हीं को हम देखते हैं पारंपरिक जिम्मेदारियां, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, इनको देखते हैं। जो आरबीआई है उनकी कौन कौन सी ऐसी जिम्मेदारियां हैं, तो आरबीआई नंबर एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार, देखिए भारत सरकार या इसको केंद्र सरकार भी बोल सकते हैं, और राज्य सरकार, इनके लिए एक बैंक की भूमिका निभाती है। ओके, बैंकिंग सुविधा देती है। जैसे मैंने आपको ये पहले भी बता चुका हूँ, काफी बार बताया है मैंने, कि जैसे हम लोग होते हैं, जैसे हम लोग होते हैं, ओके, हम लोग होते हैं, ये बैंक है, हम लोग जाते हैं इसमें जाकर के पैसे जमा करते हैं। ओके, जमा करते हैं, हम हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है तो हमने जमा कर दिया, हमें जरूरत पड़ी तो हम इससे ऋण भी ले सकते हैं, अपना पैसा भी निकाल सकते हैं। ओके, इसी तरह यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, इन्हें इनके पास भी जो पैसा होगा ना, इनके पास भी पैसा होगा, तो ये लोग कहाँ रखेंगे, ये आरबीआई के पास रखेंगे। ओके, ये आरबीआई के पास अपना पैसा जमा करेंगे, इन्हें जरूरत पड़ेगी तो निकाल भी लेंगे, और ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो ऋण भी ले लेंगे। ओके, तो देखिए आरबीआई भारत सरकार और राज्य सरकारों को एक बैंक की भूमिका निभाती है, लेकिन राज्यों में एक एक्सेप्शन है, सिक्किम। ओके, सिक्किम राज्य है, सिक्किम राज्य है, जिसे आरबीआई अपनी बैंकिंग सुविधा नहीं देती है। तो आपको ध्यान रखना है सिक्किम राज्य मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आरबीआई इसको सर्विस नहीं देती है। ओके, अब देखिए इसकी दूसरी क्या भूमिका है, आरबीआई भारत में कार्यरत, देखिए कौन सी, भारत में कार्यरत सभी बैंकों के लिए बैंक की भूमिका निभाती है। इसका क्या तात्पर्य हुआ, जिस तरह हमें पैसों की जरूरत होती थी या हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा होता था तो हम बैंक के पास रख देते थे, हमें एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत होती थी तो हम ऋण भी ले लेते थे। लेकिन अगर इधर आप मान लीजिए इधर बैंक है, अब इसके पास पैसा ज्यादा हो गया तो ये कहाँ रखेगी, आरबीआई के पास रखती है, इसके पास पैसा ज्यादा हो जाता है तो ये आरबीआई के पास जमा कर सकती है इस पैसे को, जैसे हम लोग बैंकों के पास जमा करते हैं, और जरूरत पड़ती है तो ये अपने पैसे निकाल भी लेते हैं, और ज्यादा जरूरत पड़ती है तो ये आरबीआई से ऋण भी ले सकती है। तो देखिए जैसे हम लोग बैंकों से बैंकिंग सुविधा लेते हैं, उसी तरह बैंक भी आरबीआई से बैंकिंग सुविधा लेती है। तो देखिए इसीलिए इसे बैंकों का माई बाप बोलते हैं, आप लोग समझिए माई बाप क्यों बोलते हैं। देखिए ये बैंकों को कंट्रोल भी करता है और बैंकों के लिए बैंकिंग सुविधा भी देता है। ओके, देखिए यहाँ पर वो बैंकिंग सुविधा दे रहा है ना, तो पहले में क्या हुआ, वो स्टेट गवर्नमेंट
और सेंट्रल गवर्नमेंट है इनको बैंक की सुविधा देता है, बैंकिंग सुविधा देता है। इसी तरह दूसरे नंबर पे क्या है, भारत में जितनी भी कार्यरत बैंकें हैं इनके लिए भी एक बैंक की भूमिका निभाता है। तो इसीलिए आरबीआई को बैंकों का बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंकों का बैंक। अब आप लोग समझ गए कि आरबीआई को बैंकों का बैंक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बैंक के लिए एक बैंकिंग भूमिका निभा रहा है ना, तो इसीलिए इसको बैंकों का बैंक बोलते हैं। आप लोग समझ गए ना। और दूसरा, आरबीआई भारत में बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित करता है, यानी कि वो कहेगा कि अगर आपको बैंक, अगर कोई भी बैंक की ब्रांच खोल ली है या फिर नई बैंक खोल ली है, तो आपको आरबीआई से जाकर के अनुमति लेनी पड़ेगी। आरबीआई इसे कंट्रोल करती है, ओके। इसीलिए आरबीआई को बैंकों का माई बाप बोलते हैं। अगर आपके लिए कोई भी बैंक खोलनी होगी तो आपको आरबीआई से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। जब आरबीआई कह देगी हाँ आप खोल सकते हो तो खोल सकते हो, आरबीआई क्या आएगी, नियम में परिवर्तित करेगी, तो उन नियम्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। यानी क्या कर रही है आरबीआई, आपको इस बैंक को एक तरह से कंट्रोल कर रही है ना। तो दोस्तों मैंने आपको कहाँ तक समझा दिया, मैं भूल गया हूँ क्योंकि अभी मुझे कॉल आया था इसलिए वीडियो बीच में रोकना पड़ा। मेरे फूफा जी हैं, उनकी डेथ हो गई है, तो मुझे सभी को जाकर के अभी बताना पड़ा, तो थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो गया है। तो पता नहीं मैं आपको कहाँ तक बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो को यहाँ पर मैं फिर से स्टार्ट करके जल्दी से फिनिश आज कर देता हूँ, फिर कल आपको वीडियो में लेक्चर रिकॉर्ड करके दूंगा, ओके। चलिए मैं यहाँ से दोबारा समझा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो गया है, सारे लोग जा रहे हैं जल्दी जल्दी में, तो मैं जल्दी से रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता हूँ इसको इसको पहले एक बार क्लियर कर देता हूँ। चलिए यहाँ से हम मान लेते हैं मैंने आपको यहाँ तक बता दिया, तो यहाँ से मैं दोबारा से समझा देता हूँ आपको क्योंकि मुझे ध्यान नहीं है। देखिए आरबीआई भारत में बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित करती है, यानी कि जो आरबीआई है एक तरह से वो बैंकों को कंट्रोल करती है, एक तरह से वो दिशा निर्देश देती है, कैसी है कि आपको ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है, मतलब नियम लागू करती है। तो एक तरह से क्या कर रहा है आरबीआई, क्या कर रही है, बैंकिंग व्यवस्था को कंट्रोल कर रही है ना। तो इसीलिए आरबीआई को एक तरह से क्या कहते हैं, बैंकों का माई बाप भी बोलते हैं। देखिए अभी थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब है मेरा, कोई नहीं फिर भी कोशिश करता हूँ। और ये अनुसूचित बैंकों की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी करती है, ओके। देखिए जो अनुसूचित बैंक होती है यानी कि शेड्यूल बैंक होती है, तो जितनी भी शेड्यूल बैंक है वो बिना लाइसेंस के जारी नहीं की जा सकती है। और इन्हें कौन जारी करेगा, इस लाइसेंस को कौन जारी करेगा, आरबीआई जारी करेगी। यानी कि आरबीआई जब लाइसेंस दे देगी तभी एक नई बैंक की स्थापना हो सकती है। और विदेशी बैंकों के लिए, देखिए अगर कोई भारतीय बैंक है, इसको अच्छे से समझिए, कोई भारतीय बैंक है इसने एक बार परमिशन लेनी कि हमें एक बैंक खोली है, मानते हैं एक जैसे कि क्लब बैंक की हम मान लेते हैं, हमारी हमारा जो ये क्लब है इसी का अगर एक बैंक हमें खोलना है, हमने बैंक खोलना है, हम कौन है, हम भारतीय हैं, मान लीजिए हम भारतीय हैं, हमने एक बार परमिशन ले ली, लाइसेंस ले लिया और आरबीआई ने हमको कह दिया कि आप ये बैंक खोल सकते हो, लेकिन हम चाहते हैं हम अदर स्टेट में अपनी ब्रांचेस खोलना चाहते हैं, मतलब शाखाएं खोलना चाहते हैं, ओके। जब हम और शाखाएं खोलना चाहते हैं तो हमें आरबीआई से पुनः अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, आरबीआई से पुनः अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार हमने लाइसेंस के समय अनुमति ले ली थी ना, लेकिन अब हम अन्य ब्रांचेस खोलना चाहते हैं, शाखाएं खोलना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें आरबीआई से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। और साथ में लेकिन यहाँ पर समझिए, अगर कोई फॉरेनर बैंक है, विदेशी बैंक है, इसने एक बार आरबीआई से लाइसेंस की परमिशन ली थी, लेकिन ये फॉरेनर बैंक ये चाहती है कि हम और शाखाएं खोलना चाहते हैं इंडिया में, लेकिन ये कैसी बैंक है, विदेशी बैंक है ना, विदेशी बैंकों को अपनी अन्य शाखाएं खोलने के लिए भी जो आरबीआई है इससे अनुमति लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। यानी कि क्या मतलब हुआ, अगर भारतीय बैंक है तो वो शाखाएं खोलना चाहती है तो आरबीआई की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर कोई विदेशी बैंक है वो अगर अपनी अन्य शाखाएं भी खोलना चाहती है, अदर ब्रांचेस भी खोलना चाहती है, तो उसे अनुमति की आवश्यकता है आरबीआई की, मतलब आरबीआई कहेगी तभी वो अन्य ब्रांचेस खोल सकती है, अदरवाइज नहीं खोल सकती। इसीलिए मैंने आपको इस पे काफी अच्छे से समझाया, आपको कंफ्यूज नहीं होना है और गलत नहीं करना है, ओके।
और आरबीआई मौद्रिक नीति जारी करती है। देखिए इस टॉपिक को तो हम लास्ट में अभी कवर किए हैं, ओके, और इतना विस्तृत में कवर किए हैं कि वो मौद्रिक नीतियों को जारी करके तरलता को कम ज्यादा करती है, ओके। और आरबीआई है ये विदेशी मुद्रा कोष का भंडारण करती है, इसमें वो सोना रखती है, डॉलर रखती है, पाउंड, यूरो, एसडीआर रखती है। एसडीआर आईएमएफ की मुद्रा है, ओके, ये किसी देश की मुद्रा नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, यूरो हो गया, ये देश की मुद्रा है, ओके। और आरबीआई है वो 1 रुपए से ऊपर के नोट जारी करती है। देखिए इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ एक बार क्लियर करके। 1 रुपए से ऊपर के नोट जारी करती है, यानी कि 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है, आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना। 1 रुपए का नोट भारत सरकार जारी करती है और इस पे जो हस्ताक्षर होते हैं वो वित्त मंत्री के होते हैं, ओके। अब आप लोग कहते होंगे 1 रुपए का नोट नहीं, 1 रुपए का सिक्का होता है, लेकिन नोट भी होता है, आप लोगों ने देखा नहीं होगा। देखिए आज मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये 1 रुपए का नोट है, इसमें देखिए इसमें किसके हस्ताक्षर हैं, इसमें वित्त सचिव के हस्ताक्षर हैं। लेकिन अगर आप 1 रुपए से ऊपर के जितने भी नोट होते हैं, जैसे 2 का नोट हो गया, 5 का नोट हो गया, 10 का नोट हो गया, कितने भी इससे ऊपर के नोट होंगे वो आरबीआई जारी करेगी और इसमें गवर्नर के हस्ताक्षर होंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं उर्जित पटेल के हस्ताक्षर है, क्योंकि ये 200 का नोट है, ओके। तो 1 का नोट है वो कौन जारी करता है, भारत सरकार, ओके, और इस पे हस्ताक्षर किसके होंगे, वित्त सचिव के होंगे, और इस पे किसके होंगे, गवर्नर के होंगे, ओके। और देखिए एक वित्तीय वर्ष में 1 रुपए से ऊपर के नोट जारी करती है कौन, आरबीआई। अब इसमें कुछ कंडीशन होती हैं, देखिए वर्तमान जो एक वित्तीय वर्ष में आरबीआई कितने नोट जारी कर सकती है, ऐसा नहीं है कि आरबीआई जितने चाहे उतने नोट जारी कर सकती है, ऐसा नहीं है। वो 10,000 करोड़ रुपए जारी कर सकती है, यानी कि 10,000 करोड़ के नए नोट एक वित्तीय वर्ष में जारी कर सकती है। कितने वर्ष, वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ तक के नए नोट जारी कर सकती है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, अगर वो चाहती है नए नोट जारी करना तो वो इससे ऊपर के नोट जारी नहीं कर सकती है। वो चाहे कि हम 11,000 करोड़ जारी करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकती है, उसे इस लिमिट के अंदर ही जारी कर सकती है। यानी कि अगर वो चाहती है 10 करोड़ नए नोट जारी करना चाहती है या फिर 50 करोड़ नए नोट जारी करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन 10,000 करोड़ से ऊपर के नोट नहीं जारी करेगी। इसी तरह आप लोगों ने देखा है कि 500 का नोट होता है, 1,000 का नोट होता था, अब नहीं होता है, 2,000 का नोट होता है। आपके दिमाग में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि आरबीआई है वो कितना बड़ा नोट जारी कर सकती है, ओके। तो वो 10,000 तक का नया नोट जारी कर सकती है, इससे ऊपर के नोट जारी नहीं कर सकती है। जैसे अभी सबसे बड़ा नोट है वो कौन सा है, 2,000 का है, ओके। लेकिन अगर आरबीआई चाहे तो वो 5,000 और 10,000 का नोट है वो जारी कर सकती है, इससे ऊपर के नहीं कर सकती है, ओके। चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ, आज मेरा माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहता, वरना मैं आपको बहुत कुछ इसमें बताने आ रहा था, लेकिन कोई नहीं, मैं कल आपको बता दूंगा, क्योंकि मुझे भी अब देखिए कहीं जाना होगा, फूफा जी हैं तो देखना तो पड़ेगा थोड़ा सा, और काफ़ी दुख की बात भी है। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, अपनी पढ़ाई जारी रखें। देखिए समस्याएं हर किसी की लाइफ में थोड़ी बहुत आती है, जैसे हमारे अभी फूफा जी एक्सपायर हो गए तो बहुत दुख की बात है, लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी पढ़ाई छोड़ दें। अब मैंने आपको लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया है, अब इसके बाद मैं अब जो भी मुझे करना है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुझे करनी है जाकर के। इसी तरह आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरा करिए और पढ़ाई भी करिए, ऐसा नहीं आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में अपनी पढ़ाई भूल जाएँ या पढ़ाई के चक्कर में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाएँ। इन दोनों के चक्कर में दोनों को आपको क्या करना है, संतुलित करना है। क्या करना है, संतुलित करना है। देखिए अगर आप संतुलित कर पाएंगे तभी आप एक ऑफिसर बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर समन्वय होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा डिसीजन ले सकता है, डिसीजन मेकर बन सकता है। और आपको डिसीजन ही लेना है, इम्प्लीमेंट तो और लोग करेंगे ना, तो डिसीजन आपका लेना है, अच्छा डिसीजन होना चाहिए और आपके डिसीजन में एक संतुलन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए वो बायस्ड हो या फिर आपको इमोशन में लेकर के कोई डिसीजन ले, तो ऐसा नहीं करना है, ओके। तो पढ़ाई भी जारी रखिए और जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें भी पूरा करिए। चलिए आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। कल आपको एक बेहतरीन लेक्चर मिलेगा, क्योंकि आज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, कोई बात नहीं, इसको मैं यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ।